किसी चीज को समझने के लिए मंथन जरूरी है। नई सोच जगाने के लिए मंथन जरूरी है। नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। बात थोड़ी पुरानी है मगर इसमें कुछ कहानी है। हम इस एक्ट्रेस का नाम लेकर बिना मतलब फिर से झंझट नहीं करना चाहते हैं। बस हमारा उद्देश्य यही है, युवाओं की सोच को एक नई दिशा देकर जीवन को बदलना और महान संस्कृति को बचा कर रखना। चलो बताएं, इस तरह के केक किसको पसंद है? क्या आप इस तरह के केक अपने बर्थडे में लाना चाहोगे? भले ही आप लाना ना चाहो, इस तरह के केक भारत देश में मिलने लगे हैं क्योंकि नौटी युवाओं की पसंद ही ऐसी हो गई है। क्या करें, आदमी जो बार बार देखता है, करता है, सोचता है, उसका दिमाग भी वैसे मॉडिफाई हो जाता है और उसके हिसाब से विकृत चीजों को भी सही ठहराने लगता है। इसके पीछे के विज्ञान को हम लास्ट में समझाएंगे। पहले जानते हैं, जब इस एक्ट्रेस ने इस तरह अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया था तो लोगों द्वारा जमकर ट्रोल हुई थी, फिर भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस एक्ट्रेस ने अपने इंटरव्यू में धड़ाके से जो जो कहा उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक्ट्रेस का कहना है, मैं जिस लेवल से सोचती हूँ मुझे बिल्कुल सही लगता है। वाह, क्या बात है, ये कैसा लेवल है दोस्तों? ये एक बिलो ह्यूमन लेवल सोच है जो कुछ वेस्टर्न कंट्रीज से हमारे देश में आई है और युवाओं के दिमाग में चढ़ गई है। इस लेवल की सोच के नॉटी युवाओं को आप किसके साथ कंपेयर करोगे? एक्ट्रेस आगे फिर कहती है, मेरी मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो कहती है आपके दोस्तों का गिफ्ट है, सब ओके है। जरा सोचें, समाज में माँ बाप की सोच कहाँ जा रही है। आप इन लोगों को देखते हैं और फेमस कर देते हैं और यही लोग आपको, आपकी सोच को, संस्कृति को बदल देते हैं। फिर आगे एक्ट्रेस कहती है, मेरे फ्रेंड्स ये केक नहीं रखेंगे तो क्या गीता रखेंगे? वाह, क्या बात है, आपकी नजर में गीता का ये लेवल है। दोस्तों ध्यान से सुने, जैसी आपकी सोच और मांग होती है आपके दोस्त वैसे होते हैं और वैसी ही चीज आपको परोसते हैं। इस लेवल के युवा गीता की बात सपने में भी नहीं सोच सकते। अगर गीता जैसी सोच होती तो विचार कुछ और होता, लाइफस्टाइल कुछ और होता, पसंद कुछ और होती, लक्ष्य कुछ और होता और जीवन हटकर होता। अब जानते हैं इस तरह के लो लेवल चॉइस और मेंटेलिटी के पीछे का विज्ञान। दरअसल पॉर्न मूवी में ज्यादातर सीन्स में एक पॉर्न एक्ट्रेस मेल ऑर्गन के साथ खेलती है और खाती नजर आती है। इस तरह की चीज बार बार देखने से आज के युवा इसे रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं क्योंकि उनकी पसंद बदल जाती है। ब्रेन साइंटिस्ट इसे ब्रेन प्लास्टिसिटी बोलते हैं। इसका मतलब रिपीटेडली जिस चीज के बारे में सोचा जाता है, देखा जाता है, किया जाता है, आपका दिमाग भी वैसे ही मॉडिफाइड और रिसेप्ट हो जाता है और अपनी सोच और एक्टिविटी को सही ठहराने लगता है। चाहे दुनिया हंसे या रोए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए दोस्तों इस तरह की सोच को ना पनपने दें, ना इसको बढ़ावा दें, हमेशा सावधान रहें। आइए गीता के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को सुनकर जीवन को बेहतरीन बनाते हैं। मन प्रसाद सम्यक्तम मौनम आत्मा विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्येत तपो मानस समुच्यते। मतलब मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव अर्थात मन का सुंदर भाव, सच्चा भाव, मननशीलता यानी कि जो मन चिंतन मनन करता है, सोच विचार करता है, सूझबूझ से चलता है। मन का निग्रह मतलब जो व्यक्ति अपने मन को देखता है, परखता है। भावों की शुद्धि अर्थात अपने इमोशन को, अपने भाव को हमेशा शुद्ध रखना। दोस्तों मन की इस एक्टिविटी को मन की तपस्या कहते हैं। मन की तपस्या सबसे बड़ी तपस्या है। कहते हैं मन की तपस्या शरीर और वाणी की तपस्या से भी बड़ी है, क्योंकि जब मन वशीभूत हो जाता है तो आपकी वाणी भी कंट्रोल हो जाती है, आपका शरीर भी कंट्रोल हो जाता है, आपका जीवन भी नियंत्रित हो जाता है, सुंदर हो जाता है। इसलिए भगवद गीता सुनते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें, साथ में मंदनव की वीडियोज को देखते हुए अपने जीवन को बेहतरीन बनाएं। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। श्री कृष्ण ने भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 5 में बता दिया है, इंसान खुद ही अपना दोस्त है, खुद ही अपना
दुश्मन है, जिसका मन गिरा हुआ है, जो मन से गिरा हुआ है वो अपना दुश्मन है, और जो मन से ऊपर उठा हुआ है वो अपना दोस्त है। मन प्रसाद सम्यत्वम मौनम आत्मा विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्येत तपो मानस समुच्यते।